this is my goal that I am the actress, I am singing, I am dancing, I'm the voice, I'm the face, and I've written my song also. Imagine, matlab, that will be the day. Hi, मैं हूँ आरजे प्रवीर. मैं हूँ आरजे प्रवीर मिर्ची इंडीज. और मेरे को पता है जब भी अकाशा सिंह मेरे साथ होती है तो मेरे को इंटरव्यू करने नहीं देती है ये. yes. मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है और बात नहीं करने देती है और मेरे इंटरव्यूज खराब कर चुकी है ये. मुझे एक बात बताओ, ये डेढ़ साल दो साल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ द म्यूजिक दैट यू हैव रिलीज्ड. बहुत सारे गाने रिलीज किए और बहुत सारे गाने आपके हिट हो गए. उसके बाद बिग बॉस के घर में आपका एंट्री हो गया. मतलब कौन मैं तो थी नहीं बिग बॉस, बट चार दिन के लिए तो गई थी. कोई बात नहीं. हाँ, नहीं, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मैंने बहुत जिंदगी के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ सीख लिया यार. अब ये बोल दिया तो मेरे को बताना पड़ेगा क्या सीखा आपने अपने बारे में. और ये जो मैं हमेशा प्रीच करती थी, बी ऑथेंटिक. आई एम प्राउड, आई एम ऑथेंटिक यार. आई विल नेवर फेक एनीथिंग. कैसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही है फिल्मों में, मतलब उड़ती खबरें सच कर. नहीं, इट्स ऑलवेज बीन लाइक इन द बैक ऑफ माई माइंड की एक म्यूजिकल प्रोजेक्ट हो जाए, भले वो OTT हो या वो फिल्म हो. बिकॉज आई हैव ऑलवेज वांटेड टू, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, बट दिस इज माय गोल दैट आई एम द एक्ट्रेस, आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग, आई एम द वॉइस, आई एम द फेस, एंड आई हैव रिटन माय सॉन्ग्स आल्सो. इमेजिन, मतलब दैट विल बी द डे. अभी इस साल में क्या क्या गाने रिलीज कर रहे हो, कैसे कैसे गाने होने वाले हैं, कितना नचाने वाले हो? सो द वन थिंग जो बिग बॉस में मैंने कमाया वॉज रियली गुड फ्रेंडशिप्स. वो ही फ्रेंडशिप को आगे दिखाते हुए अगला गाना आ रहा है विद करण कुंद्रा. इट्स अ नाइस लव सॉन्ग. आई नो, एंड वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स इन द शो. मैंने उसकी सेटिंग वेटिंग कराई है. आई वाज लाइक वी हैड दिस ब्रो वाइब गोइंग. एनीवे, दैट इज वन सॉन्ग. सून आफ्टर विद अनदर फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम बिग बॉस प्रतीक, देयर आर कपल ऑफ डांस सॉन्ग, सम स्टफ आई हैव रिटन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. वेरी नाइस. वैसे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अकाशा जब गाने लिखती है, कंपोज करती है, तो अलग, मतलब कहीं पे भी लिखती है, मतलब ऐसे जमीन पे उल्टे लेट के, तो मतलब अजीब अजीब तरीके से लिखती है गाने. तो मतलब ऐसी कोई जगह छोड़ी है आपने जहाँ पे आपने गाने ना लिखे हो? मैं एक्चुअली फुल ऐसे ब्रेकअप वाइब्स में थी, रो रो के मैं फ्लाइट में बैठी थी, और वो स्टूअर्ड को मैंने मेल, नॉट एयर होस्टेस, नहीं मेल, आई वाज लाइक इफ यू फाइंड अ सीट वेयर ऑल थ्री आर एम्प्टी प्लीज मुझे दे देना. उसको इतना बुरा लगा या पता नहीं क्या, ही वाज जस्ट लाइक सुंदर भी है, तो ही वाज लाइक आप ले लो. ठीक है, उसने मुझे सीट दे दी. मैंने एक समोसा और फैंटा एयरपोर्ट से लिया था, वो खाया और मैं सो गई. और डिसेंड हो रहा होता ना, तब लिटरली आई हैव वोकन अप कि वी आर ऑब्वियसली, प्लीज पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन. इन 10 मिनट्स आई हैव लाइक रिटन दिस सॉन्ग, सो दैट माइट कम आउट टू. हम एक और सेगमेंट करते हैं जहां पे हम आपका इंडी क्वेश्चन टेस्ट करते हैं. ठीक है, ओके. तो पिक अ चिट, इसमें एक आर्टिस्ट होगा जिसके आपको गाने गाने. सो चरण इज वन ऑफ माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स. ये तो हो गया दोस्त का, ये तो लकी हो गया आप. अभी एक कुछ ऐसा, गाइज ये वायु, मतलब मेरी जिंदगी के सारे गाने वायु ने लिखे हैं. बैठो कभी साथ मेरे भी, दो बातें करो बातें करो, चाहे भले बाद में तोड़ दो. वन लास्ट चिट, ओके. ही इज़ वन ऑफ द रीजन्स यार, बचपन में मुझे लगता था कि जो हीरो हैं वो खुद के गाने गा रहे हैं. बिकॉज आई यूज टू वॉच शान, आई यूज टू वॉच सोनू निगम, एंड आई यूज़ टू लाइक अच्छा यही है. तो भूल जा जो हुआ उसे, मुस्कुरा है कसम तुझे, भूल जा उन वादों को तू भूल जा. क्या बात है, खराब लिरिक्स, गलत गाए, बट फील कन्विक्शन के साथ. यस, बट थैंक यू अकाशा, थैंक यू सो मच बीइंग हियर.